वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी और आंतरिक कर्नाटक में अगले 5 दिन तक हीट वेव की संभावना रहेगी। इसके अलावा आईएमडी ने बताया कि झारखंड, रायल सीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में 4 से 6 अप्रैल के दौरान अलग अलग स्थानों में उष्ण लहर की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं मौसम विभाग ने हाल ही में बताया है कि भारत में अप्रैल से जून तक के दौरान अत्यधिक गर्मी पड़ेगी। इसका मध्य और पश्चिमी प्रायद्वीपीय भागों पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ने का अनुमान है। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में अप्रैल में लू का सबसे बुरा असर होने का अनुमान जताया जा रहा है।